मसनवी मानवी पीर मसनवी मानवी हस्त गंजे राज इरफानो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अवलीन वल आखिरीन व अला आलिही व असहाबी अजमाईन अम्मा बाद। गुज़िश्ता की नशिस्त में हम पढ़ रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीमार सहाबी की मिजाज पुरसी फरमाई और उनकी बीमारी का सबब आपने दरियाफ़्त फरमाया, तो पता चला कि उन्होंने एक दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मुझे आखिरत के अज़ाब से बचा ले और जो कुछ मैंने गलतियाँ की हैं उसकी सज़ा मुझे दुनिया में ही दे दे। तो उनके ऊपर ये बीमारी नाफिस की गई ताकि उनको उस बुराइयों के असरात से आखिरत में बचाया जा सके। चूँकि गुनाह इंसान के बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान करने वाले होते हैं, तो उसके जवाब में उसके बदले में जो बीमारी आती है वो भी बड़ी शिद्दत की होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमाई कि ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, माफ़ करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब दुआ ही करो तो माफ़ी की दुआ करो कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, ये नहीं कि मेरे आखिरत के अजाब को टाल कर दुनिया में ही अजाब में मुबतला कर दे। ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। तो अब वो सहाबी अपनी दुआ का अंदाज बदल रहे हैं कि पहले जो दुआ की थी उसके असरात अब वो महसूस करने लगे हैं, तो अब इन असरात से भी अपने आप को निकालने के लिए अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक अपनी दुआ बदल रहे हैं। उसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। अहद मा बिशिकस्त सद बारो हजार, अहद तू चूं कोह साबित बरकरार। ए अल्लाह, हमने तुझसे अहद किया, तुझसे वादा किया, लेकिन हमारा अहद सैकड़ों हजारों बार टूटा। हम वादा करते रहे और अपना वादा तोड़ते रहे, ये हमारा कसूर है। लेकिन तेरा जो अहद है, तेरा जो वादा है, वो पहाड़ों से बड़ा है, वो कभी टूटता नहीं है। तूने दो वादे हमसे किए। एक वादा तो किया कि मैं तौबा करने वालों को गुनाह के अजाब से बचा लूंगा, आखिरत के अजाब से बचा लूंगा, उनको माफ कर दूंगा। अत्ताइबू मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्बा ला, तौबा करने वाला ऐसे हो जाएगा जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। तू हमें माफ़ करने वाला है और तूने माफ़ी का तौबा करने वाले के लिए वादा किया है, तो अब हम तेरे वादे पर भरोसा करते हैं। हमने भी तुझसे कुछ वादा किया, ज़रूर गुनाह नहीं करेंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे, गलतियों से बचकर चलेंगे, नाफरमानियों से बचकर चलेंगे, इताअत और फर्माबरदारी करेंगे, लेकिन हमारा ये वादे टूट गए, हम बहुत कमज़ोर हैं, तू बहुत ताकतवर है। तो अब माफ़ी के लिए जो आप दुआ कर रहे हैं उसका ये तमहीद बांध रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तरीक़ा हमको सिखाया है कि जब अल्लाह से कोई दुआ करें तो पहले उससे हम्द सना करें, उसके बाद दुआ करें। जैसे सूरह फातिहा में हमको सिखाया गया, पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस तरह से अल्लाह ताला की पहले हम्द सना करो, उसके बाद अल्लाह के और बंदे के दरमियान का जो ताल्लुक है वो ताल्लुक को बयान करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसके बाद फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ से दुआ शुरू करो। तो ये अल्लाह का बताया हुआ तरीका, इसलिए आप पहले हम्द व सना करते हुए उसके बाद अब दुआ करें। अहद मा काहो बहर बादे जुबों, अहद तो कोहो ज़िसद को हम फुजूं। हमारा अहद हमारा वादा तिनका है और ऐसा तिनका है कि हर हवा से मगलूब हो जाता है। इतना हल्का फुल्का है हमारा वादा कि एक हवा चलती है हमारा वादा टूट जाता है। हमारे वादे मामूली छोटे हल्के फुल्के तिनकों की तरह हैं जो दुनिया की हवाओं से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, मगलूब हो जाते हैं। लेकिन तेरा वादा पहाड़ है और सैकड़ों पहाड़ों से बड़ा हुआ है, वो कभी नहीं टूटता। हक के आ कुव्वत के बर तलवीन माँ रहमत कुन ए अमीर लोनहा, उस कुव्वत का तुझे वास्ता है जो तुझे हमारी तलवीन पर है, हमारी नरंगियों पर है। कभी हम तौबा करते हैं और कभी उसको तोड़ देते हैं, कभी इताअत फरमाबरदारी करते हैं, कभी नाफरमानी पे उतर आते हैं। ये हमारा जो मामला है ये नरंगियां हैं हमारी, हम कभी कुछ हैं कभी कुछ हैं, कभी हमारे ऊपर दीनी जज्बा सवार हो जाता है, कभी हम दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं, कभी इबादत रियाजत करने चले जाते हैं, कभी गुनाहों के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये हमारी तलवीन है, दो रंगी है,
लेकिन हमारी दो रंगी होने के बावजूद तू हम पर मेहरबान है, तो तेरी इस मेहरबानी का वास्ता हम पर रहम फरमा दे। ए हालात पर हुक्मरानी करने वाले, हम पर रहम कर दे। अब यहां पर रहम की दुआ कर रहे हैं। खेश रा दीदम व रुसवाई खेश, इम्तिहान मा मकुन ए शाह बेश। मैंने अपने आप को भी देख लिया, अपनी हकीकत को भी पहचान लिया और अपनी रुसवाई को भी देख लिया। आखिरत का अजाब तो बहुत शिद्दत का है, उसके सामने दुनिया का अजाब कोई हकीकत नहीं रखता। तो वो जो कोई हकीकत ना रखने वाला अजाब है, मैंने उसको चख लिया है। अब वो चखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं रुसवा हो जाऊंगा। तो मुझे मेरी रुसवाई आंखों के सामने दिखाई देने लगी है। मैंने अपने आप को, अपनी कमजोरी को भी देख लिया है और अपनी रुसवाई को भी देख लिया है। अब तुझसे दरखास्त यह है कि अब ज्यादा इम्तिहान ना ले। ऐ हमारे बादशाह, अब हमसे ज्यादा इम्तिहान न ले, अब इससे ज्यादा ताब नहीं, अपने करम से निभा ले। क्योंकि इम्तिहान की अब हमारे अंदर कुव्वत और ताब नहीं है। हजरत सैयद मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी आरिफ, मेरे ताया हजरत क़िबला का शेर है, निभा लीजिए अपने करम से आरिफ को, हुजूर इसमें जरा इम्तिहान की ताब नहीं। यही अंदाज होना चाहिए दुआ का कि अल्लाह हम उससे इम्तिहान, अगरचे कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता ही है, क्योंकि उसने तो कह दिया है वला नब्लु अन्नकुम बिशैइ मिनल खौफ वल जू व नक्सि मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात, मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहान तो होते ही रहेंगे, लेकिन बंदे का काम यह है कि वो दुआ करते रहे। हम इम्तिहान की ताब नहीं रखते, हमसे इम्तिहान न ले। ता फजीहत हाय दीगर रानहां करदबाशी ए करीम मुस्ता, ताकि दूसरी रुसवाइयों को तू पोशीदा कर दे। अगर तू हमें इम्तिहान में डालेगा तो हम अपनी कमजोरी की वजह से रुसवाई में मुब्तला हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें रुसवाई से बचाने के लिए ये तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारा इम्तिहान ना ले। पहले तो इम्तिहान में कामयाब होकर निकलना खुद एक बड़ा मरहला हो जाएगा, फिर दूसरे अगर हम इम्तिहान में कामयाब हो भी जाएं तो उससे मुतालिक जो असरात हमारे ऊपर आएंगे उससे हमारी रुसवाई होने का खतरा है। तू करीम है, तू मददगार है, अपनी इस शान का वास्ता हमारे ऊपर से ये इम्तिहान को कम कर दे। बेहदी तू दर जमालो दर कमाल, दर कशी माँ बेहदीम ओ दर जलाल। तू जमाल में भी लामहदूद है, तू कमाल में भी लामहदूद है, और हम तेरेपन में भी और गुमराही में भी बे इंतहा हैं। तेरी ये शान के तू कमाल में भी आला, जमाल में भी आला, और हमारी यह शान कि हम भी आला हैं लेकिन टेढ़ेपन में आला हैं और सरकशी में आला हैं, कजरवी में आला हैं, गुमराही में आला हैं, नाफरमानियों में आला हैं। क्रूकुडनेस हमारे अंदर भरा हुआ है। बेहदीए खेश बेगुमार ए करीम, बरकशीए बेहदे मुश्ते लईम। ए करीम अपनी बेपायानी को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, तेरा जो फजल अमीम है उसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, ऐसा कि तेरा फजल ही काम करता है। एक मुट्ठी खाक डाल दे इस कमीने इंसान पर, तेरे फजल की एक मुट्ठी खाक काफी है हमको। ही के अस्तख्ती ये माँ एक तार मांद, मिस्र बूदे मो ये के दीवार मांद। देख ले हमारे लिबास का अब सिर्फ एक तार रह गया है, इतना फट गया है, इतना फट गया है हमारा लिबास, हमारी शख्सियत का लिबास नाफरमानियों की वजह से, कि अब रह गया है एक तार। अगर ये भी फट गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम इतना डूब गए हैं नाफरमानियों और गुनाहों में कि पानी गर्दन तक आ गया है, कचरा गर्दन तक आ गया है, अब एक सर ऊपर है, अगर वो भी डूब जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। गंदगी से मेरे इस यहां की निकालो मुझको, आ गया है मेरी गर्दन के बराबर कचरा। अब यहां तक तो आ गया है, नाफरमानियों के सरकशियों के दलदल में हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब अगर ये और बढ़ता चला जाएगा तो फिर हमको डुबा देगा। अब वक्त है इस एक तार को हमारे बर्बाद होने से बचा ले। मिस्र बूदे मो ये के दीवार मांद, हम सर से लेके पांव तक एक मुकम्मल शहर हुआ करते थे लेकिन अब सिर्फ एक दीवार रह गई। हमारी हालत यह है कि हम जब पैदा हुए थे तो इतने साफ शफाफ मासूम थे कि गोया के एक शहर था हमारे अंदर बसा हुआ, लेकिन दुनिया की गंदगियों में हम इतने उलझ कर रह गए कि वो शहर बर्बाद हो गया, अब एक दीवार रह गई। अब ये दीवार भी अगर गिर जाएगी तो फिर खत्म हो गया। इससे पहले कि ये दीवार गिर जाए और हम बर्बाद हो जाएं, हम पर फजल फरमा दे। अल बकिया अल बकिया ए खदीफ,
ता नगर्दत शाद कुल्ली जाने दीव। ऐ शाह जो कुछ बच गया है अब उसकी हिफाजत तू कर सकता है, तू कर, वरना अगर हम इस तरह से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए तो फिर शैतान खुश हो जाएगा। शैतान जो चाहता है वो हो जाएगा और हम शैतान को खुश करना नहीं चाहते। बहरे माँ मैं बहरे आ लुत्फे नखुस्त के तू कर दी गुमराहारा बाज जुस्त। ये फजलो करम हमारी वजह से मत कर, हम जो ख्वाहिश कर रहे हैं उसकी वजह से हम पर फजलो करम मत कर, लेकिन तूने जो ख्वाहिश की है कि मेरे बंदे मेरी इताअत गुजारी फरमा बरदारी करें और मैं उनको जन्नत से नवाजूं फल से नवाजूं, उस इरादे की वजह से हम पर फजल कर। तेरी एक शान है तवाब अल गफ्फार, मगफिरत करने वाला तौबा कबूल करने वाला, ये जो तेरी शान है इसके इजहार के लिए हमारी तौबा कबूल कर ले और हमको बख्श दे। हमारे लिए मत कर, अपने लिए कर, अपनी शान के लिए कर, अपनी उसको सिफत को दिखाने के लिए कर। चू नमूदी कुदरतत बिनमाय रहम ए निहादा रहम हाद लहम शहम। जब तूने अपनी कुदरत का इजहार कर दिया है, भाई दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को गोश्त और चर्बी जैसा जिस्म देकर रवाना फरमाया और उसके अंदर रहम का मादा रखा। अब इंसान जो कि गोश्त और चर्बी का है, मिट्टी और पानी से बना हुआ है, इस जमीन की मखलूक है, उसके अंदर तो रहम का मादा नहीं है, वो तो जालिम है। जमीन की मिट्टी की जो खसूसियत है वो खसूसियत यह है कि उसके अंदर रहम व करम उनसो मोहब्बत का कोई अंसर नहीं होता। वो मारो मरो लड़ाई झगड़ा, जैसे कि फरिश्तों ने कहा था ये फसाद बर्पा करने वाली मखलूक है, खूनरेजी करने वाली मखलूक है, तो फरिश्तों को मालूम था कि ये जमीन की खासियत ही यही है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी जमीन में उसी चर्बी और गोश्त के अंदर रहम करम मोहब्बत भर दिए। तो जो तू चर्बी और गोश्त वाली मखलूक के अंदर जब तू रहम भर देता है, मोहब्बत भर देता है, तो वही तेरी कुदरत है, उसी कुदरत का वास्ता, उसी कुदरत का वास्ता। जब तू ये कर सकता है तो ये भी कर सकता है। जी दुआ अगर खश्म अफजायत तो रा तू दुआ तालीम फरमा मेहतरा। अगर ये दुआ जो मैंने की है तेरा गुस्सा बढ़ाने का मौजूद बन जाए, जैसे मैंने दुआ की थी कि अल्लाह दुनिया में ही मुझे अजाब दे दे, आखिरत के अजाब से बचा ले, अगर ऐसी दुआ तुझे पसंद नहीं है तो मुझे कोई और दुआ सिखा दे, मैं नहीं करूंगा ऐसी दुआ। अब यह सिखाना भी तेरा काम है। आंचना कादम बेफ्ता दस बहिश्त रज आतश दादी के रस्तस दे विजिश्त। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से गिरे, उनको जन्नत से निकाला गया, तो उनको तौबा करने की तालीम किसने फरमाई, तौबा करने की तौफीक किसने दी, तू ही ने तो दी। और इस तरह से तौबा करके वो नजात पा गए शैतान के शर से। तो जैसे तूने आदम अलैहिस्सलाम से गलती होने के बावजूद, खता होने के बावजूद तूने तौबा की तौफीक दी अपने फजल से, अपनी इनायत से, वैसे ही हमको देकर शैतान से बचा ले। देव के बुवत कूज आदम बिगजरत बर चुनी नतवे अजू बाजी बरत। शैतान होता क्या है जो अपने मुकाम और मंजिलत में आदम से बढ़ जाए। उसने तो हसद किया, हसद करके आदम अलैहि सलाम की फजीलत को घटाने के लिए साजिश रची, हसद किया, जलन किया, और इस तरह से जाहिरी तौर पर उसने आदम अलैहि सलाम से बाजी जीती। आदम से हसद किया, हसद करके आदम से बाजी जीतने की उसने कोशिश की। लेकिन ये चमड़े नतअ कहते हैं असल में चमड़े को, तो ऐसे चमड़े पर उसने बाजी जीत ली बजाहिर, लेकिन दर हकीकत नफे आदम शुद हमा लानते हासिद शुदे आदम दमा। हकीकतन उसमें भी आदम का फायदा हुआ, और वही जो उसने चाल चली, वही जो उसने मकर किया, वही उसके लिए मौजूबे लानत बना। वो कैसे, अब उसकी वजाहत आप करेंगे। बाजी दीदो दुसत बाजी न दीद बस सुतून खैमे खुदरा बुरीद। शैतान ने एक चाल चली आदम के खिलाफ, लेकिन उसने वो 200 चालें नहीं देखी जो उसके खिलाफ चली जाने वाली थी। अल्लाह ताला के सामने चाल चलते हो, अल्लाह ताला ने ऐसे चाल चलने वालों के लिए कुरान मजीद में फरमाया वह मकरू व मकर अल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन। ये लोग चाल चलते हैं, चलने दो, अल्लाह भी अपनी चाल चलेगा। और जब चाल चलने पे आता है तो अल्लाह से अच्छा चाल कौन चल सकता है। अल्लाह के सामने चाल चलते हो, तो उसने शैतान ने अपनी एक चाल देखी कि मैं ये चाल चल रहा हूं,
آدم کے خلاف، لیکن اس نے وہ 240 نہیں دیکھی جو اللہ چلے گا اس کے خلاف۔ اس طرح سے اس نے ایک چال چل کر اپنے ہی خیمے کا ستون گرا دیا۔ جو آدمی حسد کرتا ہے وہ بظاہر جس کے اوپر وہ حسد کر رہا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے، اس کے اندر اس کے گھر میں پتھر پھینکتا ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ پتھر خود اپنے گھر میں پھینک رہا ہے۔ عارضی طور پر محسود کا فائدہ ہوتا ہے، جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، حاسد کا فائدہ ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن اصل میں وہ فائدہ محسود کا ہی ہوتا ہے، حاسد کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جلنے والا ہمیشہ نقصان میں ہی رہتا ہے۔ اس مفہوم کو میں نے شعر میں بیان کیا تھا، کافی پرانا شعر ہے، حسد کرنے والا حسد کے یہ پتھر بظاہر تو میرے ادھر پھینکتا ہے، مگر اس کو شاید خبر ہی نہیں ہے کہ پتھر وہ خود اپنے گھر پھینکتا ہے۔ حسد کرنے والے کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص گھر کے باہر کھڑے رہ کر کسی کے گھر میں پتھر پھینکے، اور وہ پتھر اس گھر کے بازو میں اسی کا گھر ہے، اور وہ پتھر اس آدمی کی دیوار کو لگ کے اسی کے اپنے گھر میں جا کے گر رہا ہے۔ اس کو پتا نہیں ہے، وہ باہر کھڑے رہ کر پتھر پھینکے جا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے دشمن کے گھر میں پتھر پھینک رہا ہوں، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ پتھر جا رہا ہے تو اس دشمن کی دیوار کو پتھر ٹکرا کر اسی کے گھر میں گر رہا ہے، اور اسی کے بیوی بچے زخمی ہو رہے ہیں۔ یہ ہے حسد کرنے والے کی مثال۔ تو شیطان نے، ابلیس نے آدم سے حسد کیا اور تھوڑا نقصان پہنچایا آدم کو ضرور، کہ ان کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ بن گیا بہکا کر، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق دی، توبہ قبول کر لی، اور جب آدم کو توبہ قبول کرنے کے بعد پھر اپنے پاس واپس بلایا تو پہلے سے زیادہ مخرب بنا دیا۔ آتش عزت شب بکشتے دیگراں، بعد آتش را بکشتے اوبراں۔ ان کا معاملہ ایسا ہے، رات میں جا کر کسی شخص کی کھیتی میں آگ لگا دی۔ ایک شخص کی کھیتی تھی، اس کے گھر میں اس نے رات میں جا کر آگ لگا دی، لگا کر آ گیا واپس۔ اس کے بعد ہوا چلنے لگی، تو ہوا ایسی چلی کہ ہوا کے زور سے وہ آگ اس کھیتی میں سے نکل کر بازو اس کی کھیتی میں لگ گئی۔ یہ کھیتی میں جو آگ لگی تھی اس کو ہوا نے بجھا دیا، اور وہ آگ بازو کی کھیتی میں چلی گئی۔ یہ ہوتا ہے، تو ہوا نے آگ کو ایک کھیتی سے دوسری کھیتی کی طرف روانہ کر دیا۔ چشم بندے بود لانت دیورا، تازیان خسم دیدان ریورا۔ لانت شیطان کی آنکھ کی پٹی بن گئی، لانت اسی کو مل گئی۔ وہ بربادی چاہتا تھا آدم کی، لیکن ہو گئی بربادی خود اس کی۔ حالانکہ وہ سمجھتا رہا کہ میں نے جو چال چلی ہے اس سے آدم کو نقصان پہنچے گا، تھوڑا بہت پہنچا بھی تھوڑا سا، لیکن جب فائدہ ہوا تو اس سے زیادہ فائدہ ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے حسد کے ساتھ، یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کسی حاسد کو برا مت کہو، وہ آپ کا فائدہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم زیان جان او شدرے وے او، خود تو گوئی بود آدم دے وے او۔ اس کا جو فریب تھا، اس کی جو دھوکہ دہی تھی، اسی کی جان کی تباہی کا سبب بنی، اور وہ گمراہ ہو جانے کے بعد اس کی گمراہی کا سبب آدم کو ہی بتانے لگا، آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ چونکہ اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا آدم کو، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو رائندہ درگاہ کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو اب وہ سمجھنے لگا کہ اس آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں۔ دیکھیے، یہ بھی شیطانی صفت ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ انسان خود غلطی کرتا ہے اور اس کی سزا اس کو ملتی ہے، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے؟ ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہی نہ دیا گیا ہوتا تو میں لانتی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میں لانتی ہونے کا سبب آدم ہے، یہ سوچتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر آدم ہی لانتی ہونے کا سبب ہوتے تو سارے فرشتے لانتی ہو جاتے، لیکن انہوں نے سجدہ کر لیا بچ گئے، تو انہیں سجدہ نہیں کیا لانتی ہو گیا۔ تو تیرے لانتی ہونے کا سبب آدم نہیں ہے، تیری لانتی ہونے کا سبب تیری انانیت ہے۔ لانتی باشد کہ کش بھی نشکنت، حاسد و خودبین و پر کی نشکنت۔ لانت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو تیرا بنا دے، اصل لانت یہ ہے۔ انسان اگر تیرا ہو جائے، سرکش ہو جائے، ضدی ہو جائے، ہٹیلا ہو جائے، یہ اصلی لانت ہے۔ اور یہ لانت اس کو حاسد بنا دیتی ہے، متکبر بنا دیتی ہے، دل کے اندر کینہ بغض پیدا کر دیتی ہے، اسی کو تو لانت کہتے ہیں۔ تیرے اندر اگر اکڑپن آ جائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا دوسروں کی نعمتوں سے جلنا، یہ چیزیں اگر تیرے اندر پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیرے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ سامنے والے کی وجہ سے لعنت نہیں ہوتی،
भाई किसी आदमी को कुछ मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुश दिली से उसको कबूल करें, लानत नहीं होगी। आप अगर उसको मिलने वाली नेमत पर अफसोस करेंगे, ये ख्वाहिश करेंगे कि उसकी नेमत छीन कर मेरे पास आ जाए, तब लानत होगी, नहीं तो नहीं। इसी को तो लानत कहते हैं। काबेदानत के हरा कु बदकुनत आखिबत बाज आया दो बरवैजनत, यहां तक के वो शख्स जान लेगा कि जो शख्स बुराई करता है अंजाम कार उसी की तरफ लौटता है और उसी पर पड़ता है उसका बवाल। इंसान को उसी वक्त पता चलता है जब वो गलती करके ठोकर खाता है, तब उसको पता चलता है कि मेरी गलती का बवाल मेरे ऊपर आया है, मैंने जो गलतियां की उसका फल मैं भुगत रहा हूं, किसी और की वजह से परेशानी नहीं आई है, मेरे ऊपर जो परेशानी आई है मेरी ही वजह से आई है, मेरी ही सरकशी की वजह से आई है, मैं ही सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा, मैंने ही सही फैसले नहीं लिए, इसीलिए हुआ है। अगर मैंने बर वक्त सही फैसले लिए होते तो ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती जैसे कि दीगर फरिश्तों के साथ हुआ, जब उनसे कहा गया सजदा करो उन्होंने सर झुका दिया, मजे में हो गए। शैतान ने फलसफा झाड़ने की कोशिश की, वजूहात बताने की कोशिश की, अपनी अकल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, बर्बाद हो गया। जुमला फर्जी बंदहा बीनत बेअक्स मात बरवे गर्द दो नुकसान नक्स। फर्जी बंद एक इस्तेला है शतरंज के खेल में। फर्जी कहते हैं वजीर को या क्वीन, आप जिसको कहते हैं शतरंज के खेल में, क्वीन होती है, बहुत पावरफुल होती है वो, उसको वजीर कहते हैं हमारे पास और फारसी में उसको फर्जी कहते हैं। तो खिलाड़ी क्या करता है कि पहले पैदल को आगे बढ़ाता जाता है, करीब करीब लेकर चले जाता है बादशाह के करीब, पैदल को एक मुकाम पर टिका देता है। लेकिन ये अपोनेंट ये समझ नहीं पाता कि ये पैदल को क्यों आगे बढ़ा रहा है, हालांकि पैदल तो बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो क्या करता है उसकी प्लानिंग से पैदल को इस अंदाज से आगे बढ़ाता है कि पैदल के मुंह के ऊपर बादशाह के पास ले जाकर वजीर बिठा देता है और उसी वक्त मात हो जाती है बादशाह को, यानी पैदल की सपोर्ट लेकर क्वीन से बादशाह को मात दे देना, उसको कहते हैं फर्जी बंद। तो आप यहां पर उसका जिक्र करें, जुमला फर्जी बंदहा बीनत अक्स मात बरवे गर्दो नुकसान नक्स। अपोनेंट खिलाड़ी अगर मजबूत ना हो तो वो इस चाल को नहीं समझ सकता, वो उल्टा देखता है, वो ये समझता है कि सामने वाले को खेल नहीं आ रहा है, जो इस तरह से वो पैदल को आगे बढ़ाता जा रहा है उसको ये नहीं मालूम है कि वो प्लानिंग उसकी आगे की है, वो पैदल के मुंह के ऊपर अपने लिया के वजीर को बिठाकर बादशाह को फंसा रहा है। तो इस तरह से हसद करने वाला अपने आप को फंसा लेता है और उसी को बुरी तरीके से मात हो जाती है। जाके गर उ हेच बीनत खेशरा मोहलिको नासूर बीनत रेशरा। अगर वो अपने आप को नाचीज समझे, ये समझे कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरा जो जख्म है वो बहुत गहरा है, तकलीफ देह है, तो वो इलाज की तरफ जाता है। जब इंसान अपने जख्म को मामूली तसव्वुर करे तो जख्म बढ़ता ही चला जाएगा। अपने जख्म को गहरा समझो, अपनी तकलीफ को बड़ी समझो, तो फिर तुम इलाज की तरफ जाओगे। अगर तुम उसको मामूली ख्याल करोगे तो जख्म बढ़ता ही चला जाएगा और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा यह जख्म और गहरा होता चला जाएगा। दर्द खेजत जी चुनी दीदन दुरूं दर्द उरा अज हिजाब आरत बुरूं। इसी तरीके से देखने से अंदर दर्द उठता है और दर्द उसको पर्दे से बाहर ले आता है। एक इंसान के जिस्म के अंदर कोई खराबी आ गई तो दर्द होता है, तो दर्द होना इस बात की अलामत होती है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो दर्द होने के बाद वो दर्द की वजह से इंसान उस प्रॉब्लम की तरफ मुतवज्जे होता है और उसका इलाज करता है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है दर्द। अगर इंसान को दर्द ना हो और अंदर कोई खराबी चलती रहे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। इंसान के पेट के अंदर अगर कोई खराबी है और उसको पता नहीं चलता ना भाई पेट के अंदर क्या है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता इंसान को। पेट के अंदर जो हरकतें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज चल रही हैं, इंसान को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो इत्मीनान से जीता है। लेकिन जब दर्द होता है तो दर्द की शिद्दत की वजह से वो पेट की तरफ मुतवज्जे होता है और ये जानने की कोशिश करता है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है, उसकी वजह जानता है, उसका इलाज करता है। तो इलाज करने का जरिया क्या चीज बनी, दर्द बना। तो दर्द होगा तो इलाज करेंगे, दर्द नहीं होगा तो इलाज नहीं करेंगे। तो दर्द तो एक नेमत है, जब दर्द हो तो दर्द का इलाज करने की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, दर्द खत्म करने वाली गोलियां मत खाओ। स्टॉप कंज्यूमिंग पेन किलर पिल्स, नहीं, दर्द कम करने वाली गोलियां मत खाओ। दर्द तो नेमत है, ये देखो कि दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो वजह को खत्म करो। दानगीरत मादरारा दर्द जह तिफल दर ज्यादा नियाबत हेच रहे। जब तक
माओं को, जच्चा माओं को दर्द ज़हन हो, बच्चे को पैदा होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं निकलता। बच्चे की पैदाइश के लिए माँ को जजगी के दर्द होना जरूरी है, और जो दर्द के साथ जजगी होती है वही नॉर्मल जजगी होती है। दर्द से पहले आप जजगी कर दो, नॉर्मल जजगी नहीं कहलाती। मुकम्मल इंतजार करना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि मुकम्मल दर्द ना हो, और दर्द ही इस बात का पेशखिमा होता है कि सेहतमंद बच्चा पैदा होने वाला है। ई अमानत दर्द दिलोजा हामिलास्त वी नसीहत हा मिसाल काबिलास्त। ये जो अमानत है हमारे दिल में अल्लाह ताला की उतारी हुई, वो हमारे दिल में है और हमारी जान उसकी हामिला है। ये जो हमारी जान है ये उस अमानत की हामिला है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है। ये हमारी जान हामिला है, किस चीज से हामिला है? वो अल्लाह की दी हुई अमानत से हामिला है। तो अब दर्द होना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट हमारे सामने अच्छा आए। और ये जो नसीहतें हैं, जो अच्छी बातें हम लोगों के सामने बयान करते हैं, ये नसीहतें, ये वही है जैसे कि डाया। इस दर्द से बच्चा की पैदाइश का जरिया बनने की चीज, ये डाया का काम करती है। अच्छी अच्छी बातें, नसीहतें, वाज़ो नसीहत, ये जो कुछ है ये डाया का काम करती है। और लोग नसीहतों से मुंह चुराते, क्या होगा? अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। काबिला गोयत के जंगा दर्द नीस, दर्द बायत दर्द को दकरा रहीस। और दाया कहती है कि औरत को दर्द से नहीं है, जजगी के दर्द नहीं हो रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। नसीहत करने वाले इंसानों से कहते हैं तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा नहीं हो रहा है, हम क्या करें? वो जज्बा, वो इश्क, वो जोश पैदा होगा तो हम कुछ कर सकेंगे। बच्चे को रास्ता मिलने के लिए दर्द होना चाहिए। आके वो बेदर्द बाशत रहजनस्त, जहां के बेदर्दी अनल हक गुफ्तनस्त। और जिसको दर्द ना हो वो रहजन है, डाकू है, लुटेरा है। बेदर्दी अनल हक के रास्ते पर ले जाती है। अनल हक से मुराद यहां पर फिरौन का अनल हक कहना है। जैसे फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूं तुम्हारा, फिरौन ने कहा था। मतलब ये अगर दर्द ना होगा तो इंसान सरकशी के रास्ते पर चला जाएगा, और सरकशी इंसान को तकब्बुर के रास्ते पर लेके जाएगी, और तकब्बुर की इंतहा यह है कि बंदा खुदाई का दावा करे। फिरौन उस लेवल तक चला गया था कि उसने खुदाई का दावा कर बैठा, मैं ही खुदा हूं, क्योंकि वो बेदर्द था। आ अना बे वक्त गुफ्तन लानतस्त वही अना दर वक्त गुफ्तन रहमतस्त। ये जो अनल हक है, बे वक्त अगर कहा जाए तो लानत है। हर चीज का एक वक्त होता है। वक्त पर अनल हक मौजिब, बे वक्त अनल हक मौजिब लानत बन जाता है, लेकिन वक्त पर अनल हक भी रहमत होता है। अब आप ये फर्क समझा रहे हैं, फिरौन के अनल हक कहने में और हजरत हुसैन बिन हल्लाज के अनल हक कहने में क्या फर्क है? वो बे वक्त बे मौका था, तकब्बुर के रास्ते से होते हुए गया और अनल हक कह बैठा, बर्बाद हो गया। और ये फनायत के रास्ते पर आए और अनल हक कह बैठे तो कुर्ब नसीब हो गया। आ अना मंसूर रा रहमत बुदे, ई अना फिरौन रा लानत बुदे। वो अना मंसूर की बाय से रहमत बनी, और वो ये आना फिरौन की बाय से लानत बनी। लाजरम हर मुर्ग बे हंगाम रा, सर बुरीदन वाजिबस्ते लाम रा। मुर्ग बांग देता है ना, अगर मुर्ग भी बे वक्त बांग देने लगे, पुकारने लगे, तो उसका सर काट डालना चाहिए, उसको जुबा कर देना चाहिए। हालांकि मुर्ग की अपनी खसूसियत है उसका बांग देना। लोग मुर्ग को घर में पालते इसलिए हैं कि वो बांग देता है सुबह सुबह, उसकी स्पेशलिटी है वो बांग देना सुबह सुबह। तो जब मुर्ग सुबह सुबह बांग देने लगे तो उसकी पैदाइश का मकसद है वो, लोग उसको उसी की वजह से पालते हैं। लेकिन अगर वही मुर्ग बे वक्त बांग देने लगे तो कोई घर में नहीं रखता उसको, उसका सर काट दिया जाता है। और इस तरह का सर काटना लोगों को बताने के लिए जरूरी है कि जो आदमी बे वक्त काम करता है उसका यही हश्र होता है। सर बुरीदन चेस्ट कुश्तन नफसरा दर्जिहादो तर्क गुफ्तन लमसरा। ये सर काटना, जुबा करना क्या है? नफ्स को मारना है। मुजाहिदे में नफ्स को मारना वही है जैसे कि
مرغ کو بے وقت بانگ دینے سے سر کاٹ دینا، ذبح کر دینا۔ جیسے مرغ بے وقت بانگ دے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی نفس اگر غلط راستے پر لے جائے تو اس کا سر بھی کاٹ دینا چاہیے اور لذتوں کو بائے بائے کر دینا چاہیے۔ آچنا کے نیش کجدم برکنی تاکہ یابد اوز کشتن اے منی، جیسے کہ تو بچھو کا ڈنک نکال دے تاکہ وہ کسی کو ڈسنے سے باز آ جائے۔ بچھو کو جیسے ڈسنے سے روکنے کے لیے اس کا ڈنک نکال دیا جاتا ہے، تو ویسے نفس بھی تمہارا ایک بچھو ہے، لیکن نفس کو مار ڈالنا نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے اس کو۔ جب تک انسان کا جسم ہے جب تک اس کا نفس ہے، نفس کو مارا مکمل قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نفس کا قتل کا مطلب انسان کی موت ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کا نفس اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، کیونکہ نفس کا جسم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ نفس تو رہنا ہے، اس بچھو کو تو تمہارے ساتھ رہنا ہے، لیکن اس کا ڈنک نکال لو ورنہ وہ تمہیں ڈس دے گا۔ ڈنک نکال کر رکھو۔ برکنی دندار پور زہرے زمار تارہد مار از بلائے سنگسار، سانپ کے زہریلے دانت کو اکھاڑ دو تاکہ سانپ بھی تمہارا سنگساری کی مصیبت سے بچ جائے۔ اگر سانپ زہریلا ہوگا تو پھر لوگ اس کو پتھر مار کر ہلاک کرنے کو جائیں گے۔ اگر تم اپنے نفس، اپنے سانپ کی سلامتی چاہتے ہو تو اس کو پتھر مار سے بچانا ہوگا، اور پتھر کے مار سے بچانے کے لیے بس اس کا جو ڈنک ہے، جو دانت ہیں زہریلے، وہ اکھاڑ دینا ہوگا۔ کتنے سانپوں کو مارو گے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے زہریلے دانت ہی اکھاڑ دو، پھر آپ کا سانپ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ سانپ اور بچھو کے زہر کو ان کے منہ سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کیسا کیا جاتا ہے، اس کے کیا مرحلے ہیں؟ سانپ کے زہریلے دانت کیسے اکھاڑے جاتے ہیں؟ کیا اتنا آسان کام ہے؟ آپ کہتے ہیں ہیچ نگوشد نفس را جز ذل پیر، دامنی آ نفس کش را سخت گیر۔ نفس کو شیخ کے سائے کے علاوہ کوئی چیز نہیں مار سکتا، کوئی چیز نہیں مار سکتا۔ تمہارے شیخ کا سایہ، تمہارے پیر کا سایہ، جن کی آغوش تربیت میں رہ کر تم زندگی گزار رہے ہو، ان کی تربیت میں رہ کر تم ہدایتیں حاصل کرتے ہوئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرتے ہوئے تم چلو گے تو تم کو پتا بھی نہیں چلے گا تمہارا پیر کب تمہارے نفس کا ڈنک نکال دیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہیچ نقشد نفس را جو ذل پیر، نفس کو شیخ کے سائے کے علاوہ کوئی چیز نہیں مار سکتی۔ دامنی آ نفس کش را سخت گیر، اور اس نفس کو مارنے والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ دامن مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دامن مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرتے کا ایک دامن ہوتا ہے جا کر اس کو پکڑ لیں، وہ مطلب نہیں ہے۔ دامن مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر کے ان کی رہنمائی میں آ جائیں، وہ ہے دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ ان کی ہدایتوں کے مطابق چلیں، ان کی تعلیمات اور ارشادات کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاریں، اس کو کہتے ہیں دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ ورنہ آپ کسی کو پیر بنا چکے، وہ اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں، اس کا آپ سے کوئی رشتہ، کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے، کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے، کوئی سلوک کی منزلیں نہیں ہیں، تو پھر یہ دامن مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے، یہ رشتہ ہی نہیں ہے پیری مریدی کا۔ پیری مریدی کا رشتہ اسی سے ہوتا ہے، ہدایتوں کے مطابق چلنا، ان کے ارشادات کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا۔ چو بگیری سخت آ توفیق حوست، در تو ہر قوت کے آیت جذب اوست۔ جب تو اس دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات پر مضبوطی سے عمل کرے گا، ان کے راستے پر ان کو فالو کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے گا، ان کی ہدایتوں پر عمل کرے گا، اور اس میں کوئی چیز کو بھی ریزن یا بہانہ نہیں بنائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی تیرے شامل حال ہو جائے گی، اور پھر تیرے اندر جو روحانی کشش پیدا ہوگی وہ اسی کی وجہ سے ہوگی، اسی کی کشش ہوگی، تیری کشش نہیں ہے، وہ تیرے پیر کی کشش ہے۔ ماں رمیتا از رمیتا راست داں، ہرچ دارت جاں بود از جان جاں۔ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے، ماں رمیتا از رمیتا،
وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا, اے نبی آپ نے جو کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. تو تیرے پیر سے تجھے جو فیض مل رہا ہے وہ تیرے پیر کا نہیں, اللہ کا فیض ہے. اس کو سمجھو, اس حقیقت کو جانو. ہرچ دارت جان بوت از جان جان, جو کچھ جان میں ہے وہ جان جان کی طرف سے آیا. دست گیرندہ ویست و بردبار, دم بدم آدم ازو امیددار. اور وہی اصلی دستگیری کرنے والا ہے, اور وہی اصلی بوجھ اٹھانے والا ہے. اور اسی لیے مرید کو, بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اس کے جذب کی امید رکھو, اس کی جانب امید رکھو. اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. ہر سبب کو جو خدا سے دور کرتا ہے قطع کرنا چاہیے. خواجہ محب اللہ سرکار کا ارشاد ہے, یقین کرے کہ جو کچھ بھلائی ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے میں ہے, اور جس قدر برائی ہے لوگوں کی رائے پر چلنے میں ہے. اللہ سے امید رکھنا, اسی کی طرف لو لگانا, اور جو کچھ ہے اسی کی طرف سے. نیست غم گر دیر بے اون ماندائے, دیر گیرو سخت گیرش خاندائے. اگر تجھے بہت دیر تک وہ فیضان ملتا ہوا محسوس نہ ہو, بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ فیض حاصل نہیں ہو رہا ہے, بہت وقت ہو گیا ہے, وہ دل جمی نہیں حاصل ہو رہی ہے, وہ توجہات جو آپ کو چاہیے نہیں حاصل ہو رہے ہیں, تو غم مت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز فوری فوری نہیں دیتا. جیسے عذاب فوری فوری نہیں دیتا آپ کو, آپ نے غلطی کی, گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی, فوری اللہ نے آپ کو عذاب دے دیا کیا؟ نہیں دیا نا, دیر ہوئی, مہلت دی. اسی طرح بعض اچھی چیزیں بھی ٹائم کے بعد ملتی ہیں, انتظار کرو. وہ دینے والا بھی ہے, فضل کرنے والا بھی ہے, عذاب دینے والا بھی ہے, دونوں چیزیں وقت کے بعد ہوتی ہیں. دیر گیرت سخت گیرت رحمتش, یک دمت غائب ندارت حضرتش. اس کی رحمت دیر سے آپ کے شامل حال ہوگی. اگر دیر سے شامل حال ہوگی تو پوری شامل حال ہوگی. فوری فوری اگر کوئی چیز مل جائے تو تھوڑی مل جاتی ہے, دیر سے جب ملتی ہے تو بہت سالڈ ہوتی ہے, بہت مضبوط ہوتی ہے. اور جب وہ مضبوط رشتہ جم جائے گا, وہ تعلق مضبوط ہو جائے گا, تو پھر اس کے دربار سے تو ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوگا, ہمیشہ اس کے دربار میں درباری بن کر رہے گا. کیفیت یہ ہو جائے گی بعد میں کہ ایک پل کو ہٹا ان کا چہرہ تو بہت رویا, ایک پل بھی ان کے دربار سے دور نہیں ہونا. ورتو خواہی شرح ای فضل و ولا, اثر اندیشہ می خاں وضحا. اللہ کی اس مہربانی اور اس دوستی, اس محبت کی اگر آپ کو تفصیل درکار ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, کبھی کبھار بندوں سے انجان بنتا ہے, تو اس کے اندر بھی کیا مصلحت حکمت ہوتی ہے, اس کو اگر جاننا ہے تو غور و فکر کے ساتھ سورہ وضحا پڑھو. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا, کچھ وقت تک وہی آنا بند ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہو گئے تھے, کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا ہے. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی, اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے, آپ کی طرف سے اللہ کی توجہ ہٹی نہیں ہے. تو کچھ وقت کے لیے اگر آپ کو ایسا محسوس بھی ہو جائے کہ میں دور ہو گیا ہوں, تو اپنے آپ کو اور دور مت کر لو, انتظار کرو, کوشش کرو, پھر قرب نصیب ہوگا. جو لوگ قرب نصیب ہوتے ہوتے دوری کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے, اس کے بعد جب پھر قریب ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. جب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, اب یہ مثنوی میں نہیں ہے, میں آپ کو مثال الگ سے دے کر سمجھا رہا ہوں. جب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں, اور جب آپ ایک اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو وہی اسپیڈ میں گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے, تھوڑا سا آپ اسپیڈ کو کم کر دیجئے, اس کے بعد پھر اسپیڈ لیجئے, گاڑی اور تیزی سے آگے بڑھے گی. ورت گوئی ہم بدی ہا از ویست, لیک آ نقصان فضل او کیست. اگر تو کہے کہ برائیاں بھی تو اسی کی جانب سے ہیں, اگر ہر چیز اسی کی جانب سے ہیں تو ہماری جو غلطیاں ہیں وہ بھی تو اسی کی جانب سے ہوں گی نا, اور وہی ہماری زندگی برباد کر رہے ہیں, اسی کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں. تو اللہ کی جانب سے ہی برائیاں ہیں, تو وہ یہی اللہ کی سے ہم کو دوری کا باعث بن رہی ہیں, تو کیسا ہوتا ہے؟ اگر یہ تیرے
दिल में ये ख्याल गुजरे। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि गुनाहों का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, हर फेल का पैदा करने वाला अल्लाह है, तो मतलब नेकी का पैदा करने वाला भी अल्लाह है, बुराई का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। ये खाली समझ का फतूर है। हर फेल का पैदा करने वाला अल्लाह है, हर फेल का, लेकिन बुराई का पैदा करने वाला अल्लाह है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बुराई तो बाद में बनी, अल्लाह ने फेल पहले पैदा किया, वो बुराई बाद में बनी। एक अमल होता है, अल्लाह ने उसको पैदा किया, उस अमल को एक दिन पहले वो बुराई थी, एक दिन के बाद वो सवाब बन गई, ऐसा होता ना। एक दिन पहले तक वो हराम काम था और एक ही दिन के बाद वो जायज काम बन गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मतलब ये कि बुराई अल्लाह ने पैदा नहीं की, फेल अल्लाह ने पैदा किया। अब इंसान वक्त पर ना करने की वजह से एक अच्छे काम को बुरा काम बना रहा है। अब ये जो अल्लाह ताला ने फेल पैदा किया, बज़ाहिर इंसान को ये लगता है कि अल्लाह ने बुराई पैदा की, ये खुद उसका कमाल है, उसकी खिलकत का कमाल है। अब ये कैसे है? आ बदी दादन कमाले उस्त हम मन मिसाले गोयमत ए मोहतशम। वो बुराई देना भी उसका कमाल है। और ए बुजुर्गवार मेरे, अगर ये बात तुमको समझ में नहीं आती है तो मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ, वो मिसाल से तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मिसाल हम इंशाल्लाह आइंदा के दर्स में पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला आखिरी खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनवी मानवी पीर रो हस्त गंजे राज़ इरफ़ान।